तो वेलकम गाइस मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बाइक का जो मल्टी मीटर वगैरह होता है, बाइक का मीटर है ये, फंडामेंटली वो बाइक का मीटर है, वो मीटर के अंदर बाकी ऐसा होता क्या है जो अब काम कैसा करता है, इस पर हम लोग देखेंगे आज। तो मैंने अपना नट सत्तर का नट खोल दिया है, अब इसको ओपन करते हैं हम। जो बाकी ऊपर जो पैनल है उसको निकाल रहा हूँ। गाइस इसको कैसा दिख रहा है, बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है, मस्त ओरिजिनल हो, ओरिजिनल लेवल का ये हेडलाइट है, मीटर है, तो ऐसा कुछ दिखता है। अब इसको इसका बैक साइड भी एक चार्ट नट है, उसको भी हम लोग खोल लेते हैं। इसका स्विच हो गया तो इसको खोला चलो गाइस। तो अभी सबसे पहले नट खुल गया है, अब इसको ओपन खींचना है अपने को, खींच रहा है इसको अपनी तरफ, खुल जाएगा फिर ये। तो देखो खोलने लग रहा है, पर देखता हूँ फिर से मैं। इसको खुल गया, देख रहे हो पूरा खुल गया ये, बिल्कुल ऐसा होता है। इसका पूरा स्क्रू वो एक साइड रख देते हैं, ये एक साइड का स्क्रू है, वो एक साइड का स्क्रू है, और बाकी देखते हैं आगे। या बस इसमें लॉक लगा हुआ है, देख रहा हूँ सीधा करना है इसको, बस फिर खुल जाएगा, फिर ही खुल जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग, ये टाइप से होता है, ये पूरा सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको पीसीबी बोलते हैं, वो चीज़ है ये। यहाँ पास ये एनालॉग मीटर दिया हुआ है ना, और यहाँ पास ये डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर के लिए यहाँ पास पूरा अंदर में इसका पूरा सिस्टम दिया हुआ है, पूरा सॉफ्ट क्या बोलते हैं जो माइक्रो चिप वगैरह जो भी है इसमें लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर भी इस पर अपलोडेड है, जो कौन सा सिस्टम कहाँ पास कब काम करता है, कब टाइम का काम करता है, कब सेकंड का काम करता है, सब चीज़ पर दिया हुआ है। तो इस टाइप से कैसे ये पूरा सिस्टम है ये, तो फिर आप लोग देख सकते हो इसको, बहुत ही अच्छा दिख रहा है वाला अपना मीटर। और ये सब इसमें सामान होता है। अब इसको हम लोग वापस पैक करते हैं। बस एक डेविल हेड लैम्प कस्टमाइज़ कर रहा हूँ गाइस, कस्टम मेड डेविल हेड लैम्प बना रहा हूँ मैं। तो उसके सोच रहा था कि ये जो मल्टी मीटर है, डिजिटल मीटर है, इसको निकाल के उसे फिक्स करूँगा, लेकिन ये इसमें पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि ये इसमें पूरी तरह से एकदम फिक्स है कि इसको निकाल नहीं सकता मैं। मैं सोचा कि ये अलग से एक पार्ट होगा जिसको मैं निकाल के उसे फिक्स कर सकूँगा करके, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको फिर से पैक कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इसको निकालने का। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा ये सब चीज़ होता है इसमें। तो फिर चलो कम से कम एक वीडियो तो बना, ऐसा कुछ नॉलेज का वीडियो बना कि अंदर में ऐसा होता क्या है करके, आप लोग समझ तो गए इस बहाने, मतलब उस मेरे काम के बहाने। तो लॉकअप जैसे जैसे निकालते पूरा वैसे फिक्स करेंगे। पैक हो गया पूरा, अब इसको इसको मेन पैनल में इसको फिक्स करते हैं।
इसके मेन पैनल में इसको फिक्स करने के लिए बस दो स्क्रू नहीं चार स्क्रू दिया हुआ है, चार बोल्ट दिया, उसको फिट करते हैं उसमें। इस तरह से कहीं से पूरा फिट हो चुका है। अब इसको बस इसका बस बैक, अब इसका जो पैनल है इसका वाइजर उसको बस फिट करना है इसमें। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।